नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1980 के दशक के महान भारतीय खिलाड़ी दिलीप वेगसकर के बारे में। दिलीप वेगसकर का पूरा नाम दिलीप बलवंत वेगसकर है। उनका जन्म 6 अप्रैल 1956 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू 24 जनवरी 1974 को न्यूजीलैंड के खिलाफ किया, जिसमें पहली पारी में उन्होंने 7 रन और दूसरी पारी में 6 रन बनाए थे। उन्होंने अपना वनडे डेब्यू 21 फरवरी 1974 को न्यूजीलैंड के खिलाफ किया, जिसमें उन्होंने 16 रन बनाए थे। वो अपने डोमेस्टिक क्रिकेट करियर में मुंबई और स्टेफोर्ड शायर की ओर से खेले हैं। उन्होंने भारत की ओर से 116 टेस्ट खेले, जिसमें 185 पारी में 41 की औसत और 60 के स्ट्राइक रेट से 6868 रन बनाए, जिसमें 35 अर्धशतक और 17 शतक शामिल थे, और उनका बेस्ट स्कोर 166 रन रहा। उन्होंने भारत की ओर से 129 वनडे खेले, जिसकी 120 पारी में 35 की औसत और 67 के स्ट्राइक रेट से 3508 रन बनाए, जिसमें 23 अर्धशतक और 1 शतक शामिल है। उनका बेस्ट स्कोर 105 रन का रहा। उनकी टेस्ट कप्तानी में भारत 10 टेस्ट मैच खेला, जिसमें 2 मैच जीता, 5 मैच हारा और 3 टेस्ट मैच ड्रॉ रही थी। उनकी कप्तानी में भारत एकमात्र टेस्ट सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ 2-1 से जीत गया था। वो 1987 से 1989 तक भारतीय टीम के वनडे कैप्टन रहे हैं। उनकी कप्तानी में भारत 18 वनडे मैच खेला, जिसमें 8 मैच में जीत मिली और 10 मैच भारत हार गया था। उन्होंने 1983 से 1987 के बीच 35 टेस्ट में 65 की औसत से 2772 रन बनाए थे, जिसमें 11 शतक शामिल थे। इसके कारण वह नंबर वन टेस्ट रैंकिंग पर पहुंच गए थे और लगातार 21 महीने तक वह नंबर वन टेस्ट बैट्समैन रहे थे। उन्होंने इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में 3 शतक लगाए थे, जो किसी भी प्रवासी खिलाड़ी के तौर पर सबसे ज़्यादा है। उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट मैच में 6 शतक लगाए थे। उन्होंने अपने करियर का बेस्ट प्रदर्शन 1986 में भारत जब इंग्लैंड खेलने गया तब किया था। उन्होंने 3 टेस्ट मैच की सीरीज में 6-5 में 90 की औसत से 360 रन बनाए थे, जिसमें 2 शतक और 1 अर्धशतक शामिल था। उनके बेस्ट प्रदर्शन के कारण उनको मैन ऑफ द सीरीज़ का खिताब मिला था और भारत वो सीरीज 2-1 से जीत गया था। उन्होंने 1987 के वर्ल्ड कप में 6 मैच की 5 पारी में 57 की औसत से 171 रन बनाए थे। वो टेस्ट में 4 बार और वनडे में 5 बार मैन ऑफ द मैच रहे हैं। उन्होंने अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर में 260 मैच खेले, जिसकी 390 इनिंग में 53 की औसत से 17868 रन बनाए, जिसमें 87 अर्धशतक और 55 शतक शामिल है। इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 284 रन रहा। उन्होंने अपने लिस्ट ए क्रिकेट करियर में 174 मैच खेली, जिसकी 162 पारी में 4835 रन बनाए, जिसमें 35 अर्धशतक और 1 शतक शामिल है। उन्होंने अपना लास्ट टेस्ट मैच 5 फरवरी 1992 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, जिसमें पहली पारी में 1 रन और दूसरी पारी में मात्र 4 रन बनाए थे। उन्होंने अपना लास्ट वनडे मैच 14 नवंबर 1991 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला, जिसमें उनको बैटिंग करने का मौका नहीं मिला था। दिलीप वेगसकर अभी 2 मुंबई में और 1 पुणे में क्रिकेट एकेडमी चला रहे हैं। ये क्रिकेट एकेडमी मुफ्त में कोचिंग देती है और क्रिकेट की प्रैक्टिस करवाती है। उनको 1981 में अर्जुन अवार्ड मिला था। उनको 1987 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। 1987 में उनको विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। भारतीय क्रिकेट में उनका महत्वपूर्ण योगदान होने के कारण उनको सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। तो दोस्तों, ऐसे ही दूसरे क्रिकेटरों की महत्वपूर्ण बातें और रिकॉर्ड जानने के लिए हमारी चैनल पर बने रहिए और हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।